हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी तरीके के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस जिनको करने पड़ते हैं किसी भी एग्जाम में, या जो टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें CDP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेनली जो इस वीडियो में हमने लिया है वो है CTET 2019 दिसंबर का जो पेपर है उसका पेपर 2 का पार्ट 1 जो है, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसको लिया है। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टूडे बिकॉज आई शेयर माई टिफिन विद यू यस्टरडे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी of moral development, Noor's statement represents dash orientation typical at dash stage. Noor विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताना है कि जो ये कथन, जो ये सेंटेंस कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कल अपना टिफिन शेयर किया था, आज आपको अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही रहेगा आपको ये बताना है। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्टेजेस बताई थी उसका यहाँ पर दे रखा है कि उनमें से कौन सी स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, कौन सा आंसर सही है और उसका भी कौन सा जो रिप्रेजेंट स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। जल्दी से आंसर दीजिए। फर्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, सेकेंड ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल, थर्ड बीइंग नाइस कन्वेंशनल, फोर्थ एक्सचेंज कन्वेंशनल। फर्स्ट है कानून एवं व्यवस्था, फर्स्ट परंपरागत, सेकेंड आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, थर्ड अच्छा होना परंपरागत, फोर्थ आदान प्रदान परंपरागत। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक्सचेंज कन्वेंशनल, आदान प्रदान या परंपरागत। पहली चीज तो ये समझिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरलिटी के प्रिंसिपल्स दिए थे जिसको हमने अपना जब सीटेट पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया था पेपर 1 उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो उन्होंने मेन 4 कन्वेंशनल, 3 स्टेजेस बताई थी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। उसमें भी उन तीनों स्टेजेस में उन्होंने अलग अलग दो दो टर्म्स बताए थे कि कब बच्चा कि किस स्टेज में होता है, कब लॉ एंड ऑर्डर स्टेज में होता है, कब वो ओबीडियंस वाली चीज में होता है, कब वो अवॉइडेंस वाले स्टेज में होता है। तो वो पूरा हमने उसमें एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, वो कह रही है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया था तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। और वो टिफिन का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इसलिए इनमें से जो चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं, बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा आदान प्रदान करना, और वो किस में आता है हमारा, कन्वेंशनल या परंपरागत स्टेज में। इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगर आपको लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड पूरा एक वीडियो चाहिए उनका थ्योरी क्या था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, देन हम आपके लिए वो पूरा का पूरा वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रिफर टू एज। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषता के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। फर्स्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेदीकरण, सेकेंड जेंडर रोल्स, जेंडर भूमिकाएं, थर्ड जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान, फोर्थ जेंडर स्टेरोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिताएं। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा जल्दी बताइए इसका। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जेंडर स्टेरोटाइप्स या जेंडर रूढ़िवादिताएं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भी लड़का है या लड़की है वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उनके बारे में जो अवधारणा है समाज में जो फैली हुई है या विशेषताएं के बारे में जो भी चीज़ें समाज में फैली हुई हैं वो क्या हैं, तो वो हमारी आती हैं जेंडर स्टेरियोटाइप्स या जेंडर रूढ़िवादिताओं के अंतर्गत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचरस एक्टिविटीज। दिस मूव इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज
हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बाइस, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। थर्ड, इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कंसिस्टेंसी, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। फोर्थ, इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इसमें से जल्दी से आंसर बताइए कौन सा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुक्स में कहानियां जो आ रही हैं, पहले ऐसा होता था नॉर्मली कि जो मेल होता था या जो फादर होते थे वो बाहर के काम या एडवेंचरस एक्टिविटीज करते थे, पर लेडीज को घर के काम करते हुए कहानियों में दिखाया जाता था। तो एनसीईआरटी की पहल के कारण ये किया गया है कि जो रोल्स हैं वो थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, जैसा सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी जो मदर्स को दिखाते हैं वो एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हुए दिखाते हैं, या जो कहानी होती है उसमें ऐसा कुछ दे रखा होता है, और फादर जो है वो हाउस होल्ड वर्क को देखते हैं। तो ये चीज जो है वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है? इसमें से दिस मूव इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, किस चीज के लिए मूव इम्पोर्टेंट है? जल्दी आंसर दीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, यह जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म या समाप्त करता है। देखिए, अभी जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, जो रूढ़िवादिताएं होती हैं, जो भी जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं, वो हमें खत्म करने हैं सोसाइटी से। तो वो कैसे खत्म होंगे? जब हम बालक के मन में शुरू से ही, बचपन से ही ऐसी चीजें बता देंगे कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज नहीं होती कि ये काम इसके लिए है, ये काम इसके लिए है। उसके बाद में हम उन्हें डेली बेसिस पे चीजें समझाते रहेंगे, तब जाके वो चीजें समझ में आएंगी और बच्चे के मन में भरेंगी और समाज में से ये चीजें एलिमिनेट होती जाएंगी। तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग जो होती है या जेंडर रूढ़िवादिता है, उसको समाप्त करना है, उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तार करता है तो इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग, खोजपूर्ण अधिगम। जो सेकंड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। थर्ड, स्किल फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। फोर्थ, इंटर सब्जेक्टिविटी या अंतर व्यक्ति निष्ठता। इसमें जल्दी बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्किल फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। देखिए, जो वाइगोत्स्की है, हमने आपको पहले भी बताया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक सर्कल होता है, जो बच्चा उस सर्कल के आसपास की चीजें कर पाता है। अगर बच्चा उस सर्कल का सेंटर है तो वो एक लिमिटेड चीजें कर पा रहा है। अब उसका जब रेडियस अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसको और लोगों के साथ में मिलाया जाए या कम्युनिकेशन उसका बढ़ाया जाए, तो वो किसी और के सहयोग से कुछ काम कर पाता है। तो उन्होंने जो बढ़ा हुआ जो सर्कल था उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा था। यहाँ पर क्या होता है, लोग इस वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड भी दे सकते थे, पर उन्होंने उस एरिया को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा कि वो जो ऐसा एरिया है या ऐसी कुछ चीजें हैं जो बच्चा किसी के सहयोग से कर सकता है। पर वो जो सहयोग है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है, व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जब कोई एडल्ट हेल्प कर रहा है किसी चाइल्ड की जो करेंट लेवल है उसको बढ़ाने में, तो वो चीज क्या है? वो हमारी है स्केफोल्डिंग, और वो जो लेवल है वो ही हमारा होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें वो बच्चा किसी दूसरे के साथ रह के अपने काम को बढ़ाता है या और नई नई चीजें सीख सकता है। पर वो जो एक्टिविटी है जिसके द्वारा वो चीजें सीख रहा है या किसी बड़े का सहयोग मिलके जो काम कर रहा है, वो है हमारा स्केफोल्डिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक अवस्था। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो भी जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी
उन चारों स्टेजेस का ये लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें उन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, जबकि जो सबसे पहली स्टेज इन्होंने बताई थी वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वाली स्टेज को इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका एज बड़ा होता है उसके उन्होंने बताया जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है प्री ऑपरेशन स्टेज, जब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी और ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। देन उन्हें उन्होंने बताया थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ स्टेज को उन्होंने बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे का हाइपोथेटिको जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है या निगमनात्मक परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की जो स्टेज है वो शुरू हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों की चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। फर्स्ट लॉरेंस कोहलबर्ग, सेकेंड जीन पियाजे, थर्ड लेव वाइगोत्स्की, फोर्थ अल्बर्ट बंडूरा। विच वन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर उन्होंने बताया यहाँ पर किस चीज पर ध्यान दिया गया है, चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ। फिर से इन्होंने सोशल प्रोसेस के बारे में बात कही है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इनमें से किसने बोला था ये जल्दी बताइए। यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने ही हमें जो भी सोशल इंटरेक्शन की बात कही है, कम्युनिकेशन की बात कही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कही है या स्किप होल्डिंग की बात कही है, वो सारी हमारी लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि हम या कोई बालक होता है वो समाज के साथ में जितना रहता है उतना उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड थ्योरी दिया था। और जीन पियाजे ने जो थ्योरी दिया था उन्होंने फोर स्टेजेस बताई थी, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमने 5 में देखा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन ऑपरेशनल स्टेज, तो उन्होंने डेवलपमेंट की फोर स्टेजेस बताई थी। एंड अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी अलग थ्योरी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 और 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? फर्स्ट डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। सेकंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। थर्ड यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ रिले स्लोली ऑन प्रिस्क्राइब्ड फ्लेवर्स, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी बताइए। यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। जैसा कि पियाजे की स्टेजेस जो उन्होंने बताई थी, फोर डेवलपमेंट स्टेजेस, उनके अकॉर्डिंग 6 से 8 क्लास है उसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि लगभग 14-15 साल के, उस स्टेज तक बच्चों की जो एज है उसमें उनका सोचने की शक्ति, रीजनिंग वाली जो शक्ति है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर टीचर इस क्लास में ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने प्रेजेंट करेगा जिसमें रीजनिंग की ज़रूरत है या रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो उससे जो उनकी एबिलिटी है वो और निखर के अब सामने आएगी और उसका डेवलपमेंट होगा। इसलिए ऐसा टीचर जो 6 to 8 क्लास तक को पढ़ा रहा है उसे अपनी क्लास में हमेशा रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन जो रिक्वायर है जिन प्रॉब्लम्स में, वो प्रॉब्लम्स उनको प्रेजेंट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एज पर द हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? फर्स्ट सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। सेकेंड एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ड एक्यूरेटली, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। थर्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच,
रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य पर गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। फोर्थ, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए। देखिए, आपको आंसर किस बेसिस पे ढूंढना है यहाँ पर। जो उन्होंने बताया है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा है जिसमें ऐसा, या पर्सन है जिसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो एक तो वो लॉजिकल एबिलिटी होगी उसमें और मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, ये दोनों एबिलिटी जिसमें होंगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन चारों में से देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये दोनों एबिलिटीज आपको मिल रही हैं। यस, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, वो हमारे म्यूजिक से रिलेटेड है। अगर बच्चे में ऐसी एबिलिटी होती, लॉजिक को म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता या फिर म्यूजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता, तो 1, 2, 3 में से कोई सा आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता था, पर यहाँ पर उन्होंने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कही है, इसलिए ऑप्शन 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, सेकेंड, इंक्लूजन, समावेशन, थर्ड, मेन स्ट्रीमिंग, मुख्यधारा से जुड़ना, फोर्थ, डिफ्रेंसिएशन, विभेदीकरण। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए। ऐसा प्रोसेस वाई विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोशलाइजेशन प्रोसेस। जब हम यहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, तो वो हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे क्या सीखते हैं, आदत, कौशल, मूल्य और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहलाती है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। सेकेंड, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। परिवेश प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। थर्ड, नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास को ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। फोर्थ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, इस समाजीकरण से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उसमें भी हमने आपको बताया कि जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, वो बालक के पूरे व्यक्ति को दोनों ही साथ में मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और कंटेंट चाहिए सीडीपी से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके लॉग इन कर सकते हैं और वहां से आपको फ्री जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सेकंड, नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। थर्ड, नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर्स एज इट इज। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। फोर्थ, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। शिक्षक के द्वारा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए।
और अगर आपको CDP की और क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फुल MCQs मिल जाएंगे CDP से रिलेटेड, और भी CTET से रिलेटेड कंटेंट वहाँ अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर भी आप ऐड कर सकते हैं अपने आप को। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए 11th क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए क्या करेक्ट होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक जो प्रगतिशील कक्षा है वहां पर जो नॉलेज है, अगर बच्चा उसको क्रिएट कर रहा है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर, या फिर जो भी उसका बैकग्राउंड है उसके आधार पर, जो उसके पास नॉलेज है प्रीवियस उसके आधार पर, वो एक हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहा जाएगा। अदरवाइज अगर वो रट के क्रिएट कर रहा है नॉलेज को, या फिर वो जो हमने पढ़ा दिया वही चीज़ें बता रहा है, तो वो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन इंक्लूड, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? फर्स्ट ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, केवल संरचनात्मक आकलन। सेकेंड ओनली समेटिव असेसमेंट, केवल संकलनात्मक आकलन। थर्ड नीदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव असेसमेंट, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। फोर्थ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। दोनों ही चीज़ें हमें यूज करनी है, संरचनात्मक भी और संकलनात्मक भी। दोनों प्रकार के आकलन को जब हम यूज करेंगे तभी जाके हम CCE यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक्स। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेरेटाइप एंड रिजल्टेंट स्टेरेटाइप थ्रेट अ टीचर इज इनिशियल स्टेप कैन बी। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, इस रूढ़िवादिता को एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? सिंपली ये बता रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक सोसाइटी या कोई एक स्पेसिफिक कास्ट के बारे में क्लास में जब बताया जा रहा है कि ये लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो इससे जो प्रभाव, पहले तो इसी बात को खत्म कर रहा है, दूसरा इससे जो प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे, उसका जो रिजल्ट आएगा उस चीज को अगर हमें खत्म करना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। थर्ड सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन्स, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। फोर्थ प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जल्दी बताइए। यस, इन चारों में से जो बेस्ट करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी के 1, 2, 3 हमारे नेगेटिव आंसर्स हैं जिनको हम पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो फोर्थ जो है कि हमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण बच्चों को प्रस्तुत करने चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो हम पिछड़े समाज के लोग जिनको बोलते हैं, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने आता है कि उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत हमारी सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो उनका हमारी क्लास में बच्चों को बार बार उन एग्जाम्पल्स को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे कि जो सारे बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों, और जो ऐसा कोई बच्चा है जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड है और उसको ये प्रॉब्लम है कि उसके सामने बार बार ये बातें आती हैं कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड है तो आप ऐसे हैं, तो वो चीज़ें भी खत्म होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न इज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सेकेंड शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपथी टूवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स, अशक्त अधिकमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए।
थर्ड यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्टेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। फोर्थ, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सेकंड करेक्ट आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पिटी या सिंपैथी दिखाकर कोई फायदा नहीं होना है। उससे बच्चे का जो मोरल है वही डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। ना है हमें उन्हें किसी तरीके से कैटेगराइज या लेबल्ड करना है कि वो हैंडीकैप्ड है या कुछ है। और केवल गिफ्टेड बच्चों पर भी हमें अटेंशन देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो किसी तरीके से अगर डिसेबल भी हैं या जो पिछड़े हुए हैं उनको उससे और प्रॉब्लम होगी और उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये सोचना है कि हर जो बच्चा होता है उसकी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता होती है, जिसके अनुसार वो सही समय पर सारी चीज़ें सीख जाता है। और हर किसी में सीखने की एबिलिटी होती है, तभी जाके टीचर उस पर वर्क कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्टूडेंट शो द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने के प्रति चिंता, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, थर्ड पुअर वोकेबलरी स्किल, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वॉज रीड, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ। ये किसके सूचक है, ये जो चारों पांचों चीज़ें आपको बताई ये चीज़ें किसकी सूचक है? क्या हम कहेंगे कि बच्चा क्या है, ही और शी इज एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, एक स्वलीन विद्यार्थी के लक्षण है, अ क्रिएटिव स्टूडेंट, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण है, थर्ड अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एक अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के लक्षण है, या फोर्थ अ स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, ऐसा बालक जिसमें मानसिक क्षति है वो वाले विद्यार्थी के लक्षण है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? येस, द करेक्ट आंसर शुड बी अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थियों के लक्षण है। देखिए यहाँ पर हम उसे ऑटिस्टिक नहीं कहेंगे, हम उसे जो ADHD है वो नहीं कहेंगे, पर जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं उससे अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। ये समझ में आ रहा है उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको याद नहीं रहता है पिछला जो भी है, तो कुछ ना कुछ उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। बट अभी इन्हीं चारों पांचों चीज़ों के आधार पर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए इसका जो थर्ड आंसर है ऑप्शन है अ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के सूचक है ये, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है, फर्स्ट एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। सेकेंड फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। थर्ड गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कोपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। फोर्थ डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम से सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर आपको जल्दी बताना है कि क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, की एक शिक्षक जो है समावेशी कक्षा में कैसे स्पेशल जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को पूरा कर पाए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। उसे पता करना चाहिए कि हर एक बच्चे की जो भी स्पेसिफिक नीड्स है वो क्या है, नीड एनालिसिस करना चाहिए एंड उसके बाद में उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के आधार पर जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्रिएट करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षिका
अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंता पर बल देकर। सेकंड, डिसकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी चिंतन को हतोत्साहित करके। थर्ड, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, अनेक परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। फोर्थ, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी बताइए, हमें क्या करना है? इनकरेज करना है क्रिएटिव लर्नर्स को इन द क्लासरूम। यस, सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। देखिए, पहला वाला जो ऑप्शन है, अगर वो होता एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग की बजाय एम्फेसाइजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो हमारा करेक्ट हो सकता था, ठीक है। सेकेंड जो है डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो हमारा इसका अगर इसका अपोजिट होता, अगर होता इंकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता था। बट यहाँ दोनों ऑप्शन ऊपर के गलत हैं एंड लास्ट वाला भी गलत है कि डिस्करेज करना उनको रिस्क लेने से। जब तक बच्चा रिस्क नहीं लेगा तब तक कैसे सीखेगा कि सही क्या है गलत क्या है? तो इसलिए रिस्क फैक्टर लेने देना चाहिए, तभी बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसका होगा ऑप्शन नंबर 3, इंकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? फर्स्ट, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। सेकेंड, इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों के पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। थर्ड, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। फोर्थ, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4, Showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning. विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? फर्स्ट, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, समाधान के मूल्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सेकंड, फंक्शनल फिक्स्डनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्रियात्मक अनमयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। थर्ड, रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। फोर्थ, मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इंटू नंबर ऑफ गोल्स सब गोल्स, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हमें क्या करना है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करनी है। तो उसका एक एग्जांपल क्या हो गया हमारा, कि अगर हम एक ही जो प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफिक सब गोल्स में डिवाइड कर दें, तब जाके हम उसका जो सॉल्यूशन है वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि स्पेसिफिक आपको कोई सोलर इक्विपमेंट बनाना है, ठीक है, ये आपका मेन प्रोजेक्ट है, ये मेन एक प्रॉब्लम आ गई कि आपको कोई एक सोलर इक्विपमेंट बनाना है। अब उसकी जो स्पेसिफिक अगर आप सब गोल्स अपने डिफाइन करें कि वो किस चीज़ से होना चाहिए, सोलर इक्विपमेंट तो हो गया, अब वो कुकिंग से रिलेटेड हो या फिर वो हीटिंग से रिलेटेड हो या वो कोई एनर्जी जो है डेवलप कर रहा हो उससे रिलेटेड हो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करें उससे रिलेटेड हो, तो इस टाइप के आप सब गोल्स बनाते जाएंगे ना, जैसे जैसे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, स्पेसिफिक होती जाएगी और आपको उसके सॉल्यूशन इजीली मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? फर्स्ट, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन,
प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, थर्ड डायलॉग एंड डिस्कशन, संवाद एवं परिचर्चा, थर्ड एंड फोर्थ फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इन चारों में से ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो इफेक्टिव नहीं है, ये बताना है आपको। यस, तो करेक्ट आंसर इज फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगर बच्चा जो है जो भी ज्ञान दिया गया है उसको वैसा का वैसा रिकॉल कर देगा या वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस कर देगा तो उसकी कोई भी इफेक्टिव उसमें नॉलेज नहीं आएगी, तो ये एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है। आई होप आपको आज के वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाउ कैन टीचर्स डील विथ चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का वर्ताव कर सकते हैं। फर्स्ट, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। सेकेंड, स्कॉल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। थर्ड, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। फोर्थ, गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। इनमें से क्या एक टीचर कर सकता है, जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस ऑफ देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ये बेस्ट ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों को क्लास से बाहर जाने को बोल देंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, वो क्लास में अटेंटिव नहीं है तो वो बाद में भी अटेंटिव नहीं होंगे। सेकेंड, उनको डांट कर या स्कॉल्ड करने से भी कोई फायदा नहीं होगा उनका, और मोरल जो है वो डाउन ही हो जाएगा पूरी क्लास के आगे। और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, हम उन्हें वर्कशीट देते जाएंगे, घर पे वो किसी और से करवा रहे हैं, कहीं से कॉपी करके कर रहे हैं होमवर्क, या केवल उन पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है तो अभी वो क्लास में अटेंटिव नहीं होंगे। पर अगर हम उनसे बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक चेंज करना है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें अगर हम उनसे बात करेंगे तो जो उनका रीज़न है डिसइंटरेस्ट का क्लास में वो हमें पता चल सकता है, और टीचर अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है उस बच्चे के अकॉर्डिंग, जिससे कि बच्चे को भी समझ में आए और टीचर को भी फ़ायदा हो कि उसका जो टीचिंग लर्निंग है वो और इफेक्टिव हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। सेकेंड, कंडीशनिंग या अनुबंध। थर्ड, पनिशमेंट या दंड। फोर्थ, रूट मेमोराइजेशन या यंत्रवत याद करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या इनमें से इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए, बहुत ईजी आंसर है तो। येस, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। सेकेंड, डिसमिस दीज आइडियाज दैट चिल्ड्रन हैव, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। थर्ड, इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज एंड थ्योरीज, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। फोर्थ, स्कॉल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस विद हर टीचिंग, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए। देखिए नेव थ्योरीज क्या होती हैं, इनको कॉमन सेंस थ्योरी या फोक थ्योरीज भी कहा गया है। ये थ्योरीज वो होती हैं जो बच्चा अपने कॉमन सेंस के आधार पर कुछ भी बना लेता है कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसे करके कोई भी थ्योरीज वो बना लेता है या कुछ उसने कहीं से सुना है उसके आधार पर उसके माइंड में जो आया तो उसने उसको एज अ थ्योरी बना लिया। अगर ऐसा कुछ भी बच्चे के मन में चल रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी बताइए। इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए।
अगर टीचर कुछ कह रहा है तो उससे, अगर वो डिस्कशन कर रहा है बच्चों से, तो हो सकता है कि बच्चों के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसका, कि बच्चों को केवल आइडिया को खारिज कर देना कि नहीं ऐसा नहीं होता, बंद करो, तुम बात करना बंद करो या चुप हो जाओ, ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा, उसके जो डाउट्स हैं वो फिर भी क्लियर नहीं होंगे। थर्ड है इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज एंड थ्योरीज, बच्चे के आइडिया को इग्नोर करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके सामने अगली बार वो बातें ही नहीं करेगा, पर उसके मन में वो सारी चीजें तो रहेंगी। ठीक। फोर्थ है स्कॉल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस विद हर टीचिंग। और इस जो फोर्थ है हमारा, उसमें क्या है कि बच्चे को डांट देना चाहिए क्योंकि वो उसके टीचिंग में हस्तक्षेप कर रहा है अपने उन आइडियाज से। नहीं, डांटने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हमारा जो टीचर का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। ठीक है, उसकी जो भी धारणाएं उसने बना रखी हैं वो सब सही धारणाएं बनाए, ना कि कुछ भी उल जलूल वो चीजें सोचे। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा फर्स्ट होगा, कि उनको बात करें डायलॉग्स के थ्रू, मतलब जो संवाद है टीचर और स्टूडेंट का वो हो, जिससे कि जो भी उसके मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो पाए। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? फर्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सेकंड, यूनिडायरेक्शनल, इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, एक दिशी है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। सेकंड, यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। फोर्थ, बाई डायरेक्शनल, अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, द्विदिशीय है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? यस, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बाई डायरेक्शनल है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर डिपेंड है पर दूसरा नहीं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक इंटरप्ले जैसा होता है, आपस में दोनों में डायनेमिक इंटरप्ले होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपको इस टाइप का और कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in से जाके उस पर लॉग इन करके फ्रीली कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी सारी सीरीज MCQs अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा आप हमारे मेटा एजुकेशन के जो ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटी है, जैसे कि हमारा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है सीटेट से रिलेटेड, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी सारे लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई बुक लेनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिकम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की अभिरुचि। सेकंड, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के सांवेगिक स्वास्थ्य। थर्ड, पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ। फोर्थ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये चार ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा कोड जो है वो सही है, मतलब ऊपर दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चे का इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, उसका इंटरेस्ट जैसा होगा, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो वो अच्छा पढ़ेगा, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। सेकंड है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से उसका इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा। या पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज, अगर टीचर ही अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी। फोर्थ है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, उसकी सोसाइटी में क्या नॉर्म्स चल रहे हैं और उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे की लर्निंग को, बट बहुत ज़्यादा नहीं करता है, बट स्टिल ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। डैश आर द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सेकंड, ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। थर्ड, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। फोर्थ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोशल इंटरेक्शन,
या सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ये जो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हैं ये बहुत जरूरी हैं मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, क्योंकि इनसे ही बच्चे की जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है, जैसा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में भी कहा गया है और जो वाइगोत्स्की ने भी कहा था कि जितना बच्चा अपने जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, मतलब जितना लोगों के कम्युनिकेशन करता है उसका उतना ही लर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब उतनी ज़्यादा ज़्यादा वो नई चीज़ें सीख पाता है। जो सोशल इंटरेक्शन है आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी सच एज अर्न अ स्टार और बैज दे आर लाइकली टू। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने कोई बच्चे को कोई एक्टिविटी दी, कोई प्रोजेक्ट दिया, अब उससे कह रहे हैं कि क्या मिलेगा अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको कोई बैच मिलेगा, ठीक है, या आपको कोई स्टार मिलेगा, पर ये नहीं कह रहे हैं उसको कि आपने एक अच्छे से कर लिया तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अगर आपने एलसीएम की सम्स अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आपको एलसीएम समझ में आ जाएगा। नहीं, हम कह रहे हैं अगर आपने एलसीएम अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हम आपको एक स्टार दे देंगे। तो जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, अगर बच्चा इसी स्टार पाने की वजह से वो काम बार बार कर रहा है तो ये क्या का एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है इसका जो परिणाम। फर्स्ट है डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो सकता है इससे। सेकंड एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करेगा। थर्ड परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगा रहेगा। फोर्थ सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए वो उद्देश्य निर्धारित करना। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया इन चारों में से, जल्दी बताइए। 27 का आंसर, यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास इससे होगा। देखिए मटेरियलिस्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने कुछ मेंटल वर्क किया तो उसके परिणाम स्वरूप उसको जो मिला रिवॉर्ड के रूप में वो क्या मिला, एक स्टार, ठीक है, दैट इज अ मटेरियल। अगर वो केवल उस चीज के लिए पढ़ता कि उसे खुशी मिल रही है पढ़ने में, या अवार्ड उसका ये होता कि उसने ये काम खत्म कर लिया, कुछ लोगों के लिए अवार्ड ये भी होता है कि हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, बच्चों के लिए अवार्ड ये भी होते हैं, रिवॉर्ड्स ये भी होते हैं। तो अगर वो ऐसे के लिए कुछ करता है तो वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता, पर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो मटेरियलिस्टिक उसका एटीट्यूड जो है लर्निंग के टुवर्ड्स वो डेवलप हो रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज फर्स्ट यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। सेकेंड अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञानों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। द चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, यह बच्चे ये है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना है। फोर्थ द चिल्ड्रन बिगिंस विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरमेंट, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए। यस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। देखिए इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस, जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस हमारे पर पड़ता है, ठीक है। तो जो चाइल्डहुड की अवधारणा है वो हमारे जो समाज है उससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा।
थर्ड क्या है, चिल्ड्रन आर बोर्न इविल. नहीं, बच्चे इविल पैदा नहीं होते, ऐसा नहीं होता है. उनमें खुद की कुछ एबिलिटीज, कुछ वैल्यूज होती हैं जिनसे वो, जिनके साथ में उनका जन्म होता है. तो थर्ड भी गलत ऑप्शन है. फोर्थ क्या है, दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल, कि बच्चे किसी भी चीज के साथ पैदा नहीं होते, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरमेंट. और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होते हैं वो उनके एनवायरमेंट से प्रभावित होते हैं. ऐसा नहीं है, बच्चों में खुद की कुछ इननेट एबिलिटीज, कुछ इननेट वैल्यूज रहती हैं, ठीक है. पर जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है. जो बाल्यावस्था है एक सामाजिक संरचना है, मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसका इन्फ्लुएंस तो उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके अलावा उसमें भी खुद की कुछ इननेट एबिलिटीज रहती हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड. निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है. फर्स्ट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस. शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है. बी, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स. अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है. थर्ड, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली. बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं. फोर्थ, लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज. अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है. जल्दी से बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा. यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन बिगिंस थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली. बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं. देखिए यहाँ दो चीजें कह रहे हैं. एक तो वो कह रहे हैं कि वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरा कॉन्क्रीटली होता है वो. कॉन्क्रीटली मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं सोच पाते. कब? मिडिल चाइल्डहुड एज पे. बट वो लॉजिकली सोच पाते हैं और साथ में ही वो कॉन्क्रीटली भी सोच पाते हैं, तार्किक और मूर्त रूप से सोच पाते हैं. अब जो फर्स्ट है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो होता है प्री चाइल्डहुड स्टेज पे, ठीक है. सेकेंड है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स. ये होता है उसका आफ्टर जो, या लास्ट जो स्टेज होती है चाइल्डहुड की, उस एज पे जब बच्चा होता है, या फिर जो यंगस्टर वाली एज होती है उस पे जब बच्चा होता है तब उसमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं. और जो फोर्थ है, लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज. ये हमारा होता है प्री चाइल्डहुड स्टेज के बाद, मतलब प्री चाइल्डहुड स्टेज और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज से पहले. तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की. फर्स्ट, साइकोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं. सेकेंड, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी प्राथमिक एजेंसियां हैं. थर्ड, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसी मध्य एजेंसियां हैं. एंड फोर्थ, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी द्वितीयक एजेंसियां हैं. जो परिवार और पास पड़ोस है या फैमिली और नेबरहुड, क्या है वो जल्दी से बताइए. यस, द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी. कहते हैं ना, जो बच्चा सीखता है वो अपने परिवार और पास पड़ोस से सबसे पहले सीखता है. माँ का रोल तो आता है सबसे पहला, पर उसके बाद में क्या कहते हैं कि वो अपनी फैमिली और जो उसका नेबरहुड है उससे सबसे ज्यादा सीखता है. तो ये हमारी क्या है, प्राथमिक एजेंसियां हैं, सामाजिक प्राथमिक सामाजिक एजेंसियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारा जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, वो इन पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेके, आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो भी सीटेट, रीट या फिर और कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियोज इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.